हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एआर एकेडमी में स्वागत है। जो भी स्टूडेंट यूपी कैटेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूजी हो या फिर पीजी के लिए हो, क्योंकि उसमें जीएस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, तो हम उसे डिस्कस करेंगे। क्योंकि सभी स्टूडेंट क्या है, जहाँ भी कोचिंग कर रहे हैं या इंस्टीट्यूट में, सभी के सभी अभी क्या है, बंद चल रहा है, लॉकडाउन की स्थिति है, तो वो सबके सब घर बैठे हैं। ठीक, तो ऐसे में तैयारी कंटिन्यू कैसे कर सकें, तो इसके लिए ये हम एक छोटी सी पहल। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट जो भी आपके जानने वाले हों, आप शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये पहुंच सके। आज ये लेक्चर फर्स्ट है, इसमें हम ऐसे ही चैप्टर डिस्कस करेंगे जो यूपी कैटेट की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हो और जहाँ से हर साल लगभग क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो देखिए आज हम देखेंगे सौर मंडल। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट, देखो किसी सौरमंडल का जो एक तारा होता है, वही ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत होता है। यानी कि हमारे सौरमंडल का ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, सूर्य है। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है, यानी कि हमारे सौरमंडल का ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, सन, सूर्य है। ठीक है, इसके बाद सूर्य से और कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। कभी कभी पूछा जाता है जो सूर्य की सतह है, इसका तापमान कितना है, बाहरी सतह, उसका तापमान कितना है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप लिख लीजिए। इसके बाद क्या है, जब सौर ग्रहण की स्थिति होती है, सूर्य ग्रहण जिसे बोलते हैं, उसकी स्थिति में ये सूर्य की जो बाहरी सतह है एक दिखाई पड़ती है। ठीक है, इतना आपको दिखता रहता है। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, कोरोना बोलते हैं। ठीक है, आप इस समय बहुत न्यूज में सुन रहे हैं कोरोना एक बीमारी। ठीक है, आपको आप समझ आ गया कि कोरोना क्या है, ऑप्शन दे दिया, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की एक बाहरी जो परत दिखती है। ठीक है, और दो ऑप्शन दे दिया, एक ऑप्शन नीचे दे दिया, इनमें से कोई नहीं। आपको दिमाग में लग रहा, अच्छा ये तो बीमारी है, इसमें बीमारी है नहीं, आप इनमें से कोई नहीं लगाएंगे और आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत। तो ये भी आपको याद रखना। ठीक है, ब्रह्मांड की बात हो रही, तो एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है वो क्या है, बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो सर्वमान्य सिद्धांत है वो क्या है, अब तक का बिग बैंग थ्योरी है। इसके बाद अच्छा, बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी, ये भी आप लिख लीजिए, हो सकता है पूछ ले, जॉर्ज लेमन टेयर। ठीक है, जॉर्ज लेमन टेयर। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बन सकता है। इसके बाद एक एक करके हम सभी ग्रहों के बारे में जानेंगे, क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आप ये याद कर लीजिए कि ग्रहों का क्रम क्या है। ठीक है, सब ग्रहों के नाम, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, इंग्लिश में मर्करी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, तो ये आपका क्रम आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, क्रम ही पूछ लेता है। क्योंकि अभी पिछले एग्जाम में क्या, एक कंट्रीज का, शायद कंट्री का क्रम पूछा था, हो सकता है आपने ग्रहों का भी क्रम पूछ ले। ठीक है, तो यहाँ भी आपको याद रखना है। इसके बाद बुध के बारे में हम कुछ बातें डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्या बनेगा कि बुध जो है हमारे सौर मंडल में सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन आ गया सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होगा, बुध, यानी कि मरकरी। आप देख भी रहे हैं चित्र में। ठीक है, इसके बाद ऐसा कौन सा ग्रह है जिसमें वायुमंडल नहीं है। ठीक है, वायुमंडल कहाँ पर नहीं है, बुध में। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये सूर्य से जो इसकी स्थिति है बहुत ही नज़दीक है, तो यहाँ पर टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता है कि वायु जो है वो वायुमंडल को पार कर जाती है, रुक नहीं पाती है। ठीक है, तो वहाँ वायुमंडल का निर्माण ही नहीं हो पाया। ठीक है, दो फैक्टर होना चाहिए, एक तो या तो ग्रेविटी बहुत ज़्यादा हो उसे भी तब भी रोक कर रखे, ठीक है, या फिर टेम्परेचर कम हो तब वायुमंडल बन सकता है, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, टेम्परेचर क्योंकि बहुत ही नज़दीक है सूर्य से, तो
इसके बाद ऐसा कौन सा ग्रह है जहां पर दैनिक तापांतर सर्वाधिक है? ये क्या है दैनिक तापांतर का मतलब? कि देखो, अगर वायुमंडल नहीं है तो दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होगी और रात में बहुत ज़्यादा ठंडी होगी। वायुमंडल की वजह से क्या होता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट आता है, यानी कि जैसे ये कोई ग्रह है, इसका एक वायुमंडल है, तो सूर्य की जो किरणें इसके अंदर आईं, लेकिन ये जब वायुमंडल रहता तो वापस नहीं जा पाती हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक टेम्परेचर मेंटेन रहता है, ठीक है। लेकिन जब इसे हटा देंगे, वायुमंडल नहीं है, सूर्य की किरण आई, बहुत गर्म हुआ, लेकिन रात हुई, ठीक है, तुरंत सब वापस चला गया तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया। तो दिन और रात के ताप का जो अंतर होता वो क्या है, दैनिक तापांतर, वो क्या हो जाएगा यहाँ, बहुत अधिक है। तो कितना है, 600 डिग्री सेंटीग्रेड। दिन और रात के ताप का जो अंतर है बुध पर, वो कितना है, 600 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा ग्रह है कौन सा है, शुक्र। यहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, जो पहला क्वेश्चन क्या है, सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, शुक्र। सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, शुक्र। इसके बाद दूसरा आंसर, दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है इससे, कि पृथ्वी की वाहन ग्रह किसे कहते हैं, तो इसे भी शुक्र को ही बोलते हैं। वाहन ग्रह क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो आकार और घनत्व दोनों में लगभग लगभग पृथ्वी के समान है ये, ठीक है। आकार और घनत्व में लगभग लगभग समान होने के कारण क्या है, जो शुक्र को पृथ्वी की वाहन ग्रह भी बोलते हैं, सिस्टर प्लेनेट ऑफ द अर्थ, ठीक है। इसके बाद सबसे चमकीला ग्रह किसे बोलते हैं, शुक्र को ही सबसे चमकीला ग्रह कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है, कि साँझ का तारा, साँझ का तारा तथा भोर का तारा, भोर का तारा यानी कि इवनिंग स्टार एंड मॉर्निंग स्टार, किसे बोलते हैं, इसे भी शुक्र को बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप इवनिंग टाइम में देखेंगे, जो तारा आपको पश्चिम दिशा में लगभग सबसे चमकीला तारा जो दिखता है, उसे क्या बोलते हैं, शुक्र, उसी को शुक्र कहते हैं, ठीक है। वो शुक्र ही है, वो कोई तारा नहीं है, ठीक है। और मॉर्निंग में आपका पूर्व दिशा में, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में जो तारा चमकता हुआ दिखता है, उसे ही शुक्र कहते हैं, ठीक है। इतनी बातें हो गई। इसके बाद आ जाइए अपनी पृथ्वी पर, ठीक है। पृथ्वी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं। तो देखिए, जो पहला पॉइंट है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो औसत दूरी है वो कितनी है, 14.98 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, कि सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है 8 मिनट 16.6 सेकंड, ठीक है। इसका आंसर क्या है, कहीं कहीं 8 मिनट 16 सेकंड भी दिया रहेगा, 8 मिनट 20 सेकंड लगभग, ऐसा भी आंसर आ सकता है, ठीक है। तो आपको 8 मिनट 16 सेकंड एक एवरेज लेके चलना है, ठीक है। इसके बाद देखिए, पृथ्वी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। इसलिए हम पृथ्वी को पूरा का पूरा अलग से एक सेशन बना के उसमें डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो बहुत ज़रूरी चीज़ें थी उसे हम देख रहे हैं, ठीक है। और क्या इम्पोर्टेंट है, जो पृथ्वी का झुकाव है अपने अक्ष पर, यानी कि अगर ये पृथ्वी है, सॉरी ये पृथ्वी है, तो इसका जो ये अक्ष है ये क्या है, कितना डिग्री झुका है, ये 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री ये क्या है, झुका हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला, मार्स, ठीक है, मंगल ग्रह। यहाँ से क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये है कि लाल ग्रह किसे कहते हैं, लाल ग्रह किसे कहते हैं,
तो ये बोलते हैं मंगल को। अच्छा, नीला ग्रह किसे कहते हैं? नीला ग्रह पृथ्वी को बोलते हैं, क्योंकि जल की उपस्थिति के कारण ये ऊपर से अगर देखे तो ये नीला दिखता है। ठीक है, तो नीला ग्रह क्या हो गया? पृथ्वी हो गया। और लाल ग्रह कौन सा हो गया? मार्स हो गया। ठीक है, इसके बाद जो इसका अक्षीय झुकाव है ये क्या है? 25 डिग्री है। ताप थोड़ी है, सेंटीग्रेड में होगा। ठीक है, तो इसका अक्षीय झुकाव क्या है? 25 डिग्री है, जिसके कारण यहाँ पर एक उम्मीद लगाई जाती है कि देखिए पृथ्वी का कितना है? 23.5 डिग्री, तो लगभग समान है पृथ्वी के। तो एक उम्मीद लगाई जाती है कि अच्छा, हो सकता है यहाँ भी जीवन हो। ठीक है, इसलिए आप देखेंगे मार्स ग्रह भेजा गया, मंगल ग्रह। ठीक है, मंगल मिशन आप मूवी भी देखे होंगे। ठीक है, मिशन मंगल। तो इसी कारण से एक उम्मीद लगा रहे हैं कि हो सकता है यहाँ भी जीवन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से इतना ही इम्पोर्टेंट। इसके बाद आ जाइए बृहस्पति। बृहस्पति के बारे में जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो क्या है कि हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, जुपिटर। ठीक है, पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ ये ठोस ग्रह नहीं है, यानी कि गैस और लिक्विड मेन गैसीय फॉर्म में है। ठीक है, तो ये तीनों ग्रह ये क्या हैं? इसका तो बहुत क्लियर नहीं है, ये तीनों के तीनों ग्रह क्या हैं? गैसीय हैं। ठीक है, बाकी इधर के हैं ठोस ग्रह हैं। तो इसके बाद सैटर्न यानी कि शनि, ये हमारे सौरमंडल का एक ऐसा ग्रह है जिसमें वलय है, यानी कि इसके चारों तरफ पट्टिकाएं हैं। उनकी संख्या कितनी है? 8 है। ये क्वेश्चन यहाँ से इम्पॉर्टेंट बन सकता है। और इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो ये है कि इसका जो घनत्व है वो सभी ग्रहों में सबसे कम है, यानी कि सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? शनि यानी सैटर्न। ठीक है, यही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। इसके बाद आपका आ गया यूरेनस, अरुण। ठीक है, यहाँ से जो दो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो पहला तो ये कि इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, क्योंकि इसका सूर्य की तरफ जो अक्षीय झुकाव है बहुत ही ज़्यादा है, तो लगभग लेटा हुआ है, तो इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। किसे? अरुण को। तो हमारे सौरमंडल का लेटा हुआ ग्रह किसे बोलते हैं? अरुण को। और जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, देखिए सबके सब ग्रह शुक्र और अरुण को छोड़कर पश्चिम से पूर्व की तरफ वेस्ट टू ईस्ट सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, अगर सूर्य की परिक्रमा करना हो तो इधर से इधर की दिशा में करते हैं, पश्चिम से पूर्व की तरफ। लेकिन ये दो जो ग्रह हैं शुक्र और अरुण, ये पूर्व से पश्चिम की तरफ करते हैं, यानी कि इधर से दूसरा और इधर से भी दूसरा, ये दोनों ग्रह क्या हैं? पूर्व से पश्चिम की तरफ। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद जो वरुण है, इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे सौर मंडल का कौन सा ग्रह हरे रंग का है। ठीक है, हरा ग्रह किसे कहते हैं? तो वो कौन सा है? आपका वरुण। और सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो वो भी क्या है? वरुण। ठीक है, एक चीज और, एक मिनट, ये जो अर्थ से सन ये जो दूरी है इसे क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, यानी कि सूर्य से पृथ्वी के बीच जो औसत दूरी है उसे क्या बोलेंगे? एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, और यहाँ सूर्य से वरुण तक ये दूरी कितनी है? 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये पूरा एक है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है? 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो इस वीडियो में इतना ही, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैंने सभी के सभी डिस्कस कर दिए हैं। अगर फिर भी इसमें कोई कन्फ्यूजन तो आप कमेंट कर सकते हैं,
मैं वहाँ पर आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।